आप शॉर्ट मार के देख सकते हैं दोनों को। इस टाइप से एक वायर लीजिएगा और ये हल्का सा जैसे हम लोग कैपेसिटर फैन का कैपेसिटर चार्ज करते हैं उस टाइप से इसको हल्का इस टाइप से शॉर्ट मारिएगा। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों ये 106 वोल्ट बता रहा है। ये देखिए दोस्तों ये लाइट मेरा जो है ग्लो करने लगा क्योंकि ये जो LED बोल है मेरा दोस्तों ये LED बोल मेरा ख़राब है, एकदम न्यूट्रल फेज पे चलेगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल सीटेक में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम LED बल्ब रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये देखिए मेरा ये पुराना LED बल्ब है दोस्तों, इसी का आज हम रिपेयर करेंगे दोस्तों। दोस्तों आजकल आप देखिएगा हर घर में आपका LED बल्ब या LED ट्यूबलाइट का यूज किया जाता है और दोनों का सर्किट एक ही जैसा होता है दोस्तों, LED बल्ब और LED ट्यूबलाइट का। दोस्तों आजकल जो घर में यूज होता है जो LED बल्ब वो एक साल दो साल चलने के बाद ऑटोमेटिकली ये ऐसा ख़राब होने लगता है। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कैसे आप खुद से घर में अपना LED बल्ब रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई टेक्नीशियन के पास या कोई दुकान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपने घर में 10 रुपया खर्चा करके आप आसानी से ये बल्ब LED जो बल्ब है पुराना दोस्तों आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और इसको फिर से आप चालू कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे इसको रिपेयर करना है दोस्तों। आज एक नहीं हम 3 ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ये जो LED बल्ब रिपेयर करने का हम 3 तरीका बताएंगे कैसे कैसे इसको रिपेयर करना है, कैसे इसको आपको टेस्ट करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा जिससे और भी ऐसे टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये LED बल्ब टेस्ट करने के लिए हमको बल्ब होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। और एक बार हम सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरा होल्डर है दोस्तों, इसी के साथ हम आपको इस एक एक बल्ब हम टेस्ट करके दिखाएंगे। ये मेरा ऐसे हम एक बार टेस्ट कर लिए, ये पाँचों में जो मेरा LED बल्ब है ये मेरा नहीं ग्लो कर रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम होल्डर देखिए, होल्डर लेके 220 वोल्ट AC सप्लाई दे दिए। अब ये वाला बल्ब नॉर्मल बल्ब है, इसको एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि होल्डर में मेरा पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों ये मेरा होल्डर में पावर सप्लाई आ रहा है। अब हम एक एक बल्ब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये मेरा बल्ब सही है कि नहीं है। ये देखिए दोस्तों ये हल्का हल्का देखिए ये लाइट जो है टिमटिमा रहा है, ये हल्का ग्लो कर रहा है। अधिकतर LED बल्ब में ये बीमारी देखने को मिलती है दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए हम बाकी LED बल्ब को भी टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हल्का सा ग्लो किया था फिर ये स्लो हो गया। ये देखिए दोस्तों हम पांचों LED बल्ब को टेस्ट कर लिए। एक बार फिर से हम आपको ये नॉर्मल बल्ब जला के दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि ये हम लाइट काट के चेक कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेरा ग्लो किया फिर से, ये जो नॉर्मल बल्ब है। तो चलिए हम आपको ये LED बल्ब टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको ये जो LED बल्ब है एक एक करके हम आपको खोल के दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम में क्या क्या है। अब हम 3 तरीका आपको बताएंगे आज इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको जो ये लगा हुआ है पारा जो लगा हुआ है दोस्तों इसको हमको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों कभी भी देखिएगा यहाँ पे जो हीटसिंग लगा हुआ रहता है, हीटसिंग लगाने के कारण ये चिपक जाता है तो इसको एक ही बार नहीं निकाल सकते, इसलिए हल्का हल्का इस टाइप से चारों तरफ से आप दे दीजिएगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा, जैसे ये देखिए मेरा निकल गया। तो देखिए हम इसको एक बार यहाँ पर 220 वोल्ट AC सप्लाई देके दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आपका 2-3 लाइट आपका ये ग्लो कर रहा है, ये सही से ग्लो नहीं कर पा रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो इसको सबसे पहले दोस्तों देखिएगा इसको टेस्ट करने के लिए माइनस और प्लस जो टर्मिनल है दोस्तों इसको आप टेस्ट कीजिएगा। ऐसे इसको टेस्ट करने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, तो छोटा सा वायर लीजिएगा दोस्तों और ये दोनों जो टर्मिनल है दोस्तों मेरा जो न्यूट्रल फेज आया है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो इसके सर्किट पर जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है दोस्तों वो चार्ज रहता है। तो इसको आप इस टाइप से दोनों को आप शॉर्ट मार के देख सकते हैं कि मेरा कैपेसिटर अगर आपको जो अंदर में सर्किट लगा हुआ है उसको आपको टेस्ट करना है। तो आप सबसे पहले इस टाइप से आप शॉर्ट मार के देख सकते हैं दोनों को। इस टाइप से एक वायर लीजिएगा और ये हल्का सा जैसे हम लोग कैपेसिटर फैन का कैपेसिटर चार्ज करते हैं उस टाइप से इसको हल्का इस टाइप से शॉर्ट मारिएगा। ये देखिए हल्का यहाँ चिंगारी फेंक रहा है दोस्तों, उतना स्पीड ये आवाज़ नहीं कर रहा है लेकिन ये पावर सप्लाई दे रहा है। तो ये एक तरीका होगा दोस्तों आपको टेस्ट करने का, आपको सर्किट अगर टेस्ट करना है तो। और दूसरा तरीका दोस्तों जैसे कि कोई आप अगर आपके पास मीटर है
तो सबसे पहले इसको जो मीटर पे आपको वोल्टेज चेक करना है, ये मेरा सप्लाई कितना दे रहा है। तो ये जो मीटर है दोस्तों, इसको आप डीसी पे 200 आसपास कर लीजिएगा इसके नॉब को डीसी वोल्ट, क्योंकि ये डीसी वोल्ट देता है दोस्तों, ये एसी वोल्ट नहीं देता है। इसमें जो सर्किट लगा हुआ है वो आपको डीसी सप्लाई देता है, और डीसी सप्लाई पे ही जो मेरा एमसी पीसीबी है वो जलता है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जो मेरा मीटर है इसको हम 200 पे कर लिए हैं। अब इसको हम वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों, ये मेरा कितना सप्लाई दे रहा है। ये 100 से ऊपर सप्लाई देना चाहिए दोस्तों, 100 वोल्ट से ऊपर सप्लाई देना चाहिए। तो ये देखिए हम लगा ले रहे हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका 125-30 दे रहा है, उसके बाद फिर से ये कम हो जा रहा है इसका वोल्टेज। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये वोल्टेज कम कर दे रहा है, मतलब ये इसका सर्किट जो है वो सही से सप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब ये सर्किट भी ख़राब है दोस्तों। ये इसका बल्ब तो ख़राब है ही, इसका सर्किट भी ख़राब है। एक दूसरा बल्ब ले लेते हैं दोस्तों, इसको भी हम खोल लेते हैं दोस्तों हल्का हल्का इस टाइप से। हम इसके जो फिटिंग लगा हुआ रहता है जिस कारण ये चिपक जाता है, तो उसको हम स्लो करके ढीला कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसको हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे दिए। अब इसका वोल्टेज हम एक बार चेक करेंगे दोस्तों, ये कितना मेरा सप्लाई दे रहा है। अब इसको हम दोनों टर्मिनल पे लगाते हैं, तो इस टाइप से देखिए दोस्तों, ये 106 वोल्ट बता रहा है। तो ये मेरा सर्किट सही है दोस्तों, ये मेरा जो MCPCB है उसी में फॉल्ट है। तो इसको भी चेक आप कर सकते हैं दोस्तों। इसका और एक ट्रिक हम बता रहे हैं, ये थोड़ा रिस्क है, आप कीजिएगा नहीं, हम खाली आपको बता रहे हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। ये इस टाइप से एक चिमटी लीजिएगा, इसमें आप इंसुलेशन कर लीजिएगा टेप लगा के दोस्तों, और एक एक बॉल आप शॉर्ट मार सकते हैं। अगर कोई ये जो MCPCB देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका सीरीज में कनेक्शन किया हुआ रहता है, कोई एक बॉल भी ख़राब हो जाता है तो ये आपका लाइट ग्लो करना बंद कर देता है, सही से ग्लो भी नहीं करता है। तो आप एक एक करके इस टाइप से आप टेस्ट कर सकते हैं। देखिए आप, ये 9 वाट का मेरा LED बॉल है, इसमें देखिए दोस्तों आपका जो LED बॉल लगा हुआ है, ये आप अधिकतर देखिएगा दोस्तों, जितना आपका LED बॉल रहेगा, कोई अगर एक ख़राब हो गया तो ये आपका सप्लाई देगा नहीं। तो चलिए हम एक एक करके टेस्ट करके देखते हैं, अगर जिस भी जो भी बॉल आपका ये ख़राब होगा इस सर्किट में, अगर वो बॉल को हम शॉर्ट मारेंगे तो ये लाइट ग्लो करने लगेगा। तो चलिए हम एक एक करके टेस्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी तक जला नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये लाइट मेरा जो है ग्लो करने लगा, क्योंकि ये जो LED बॉल है मेरा दोस्तों, ये LED बॉल मेरा ख़राब है। एक बार फिर हम शॉर्ट मार के दिखा देने आपको। ये देखिए, ये जो LED बॉल है दोस्तों, ये मेरा ख़राब हो गया है। ये देखिए, तो इसको हम शॉर्ट मार रहे हैं तो ये मेरा LED बॉल ग्लो कर रहा है। तो इस टाइप से भी आप टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और एक दूसरा तरीका है दोस्तों, ये देखिए जो मेरा मीटर है, अब मीटर पर भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। देखिए हम एक एक करके आपको मीटर पर भी हम टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं, अगर आपके पास मीटर है तो इस टाइप से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। जो भी LED बॉल आपका ख़राब रहेगा वो आप इस टाइप से टेस्ट करके आप वो LED बॉल कौन सा ख़राब है ये टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें रिस्क नहीं है दोस्तों, हम जो उपाय बताए आपको फर्स्ट में उस टाइप से करके आप ये देखिए, जैसे ही हम ये LED बॉल को शॉर्ट मार रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये आपका जो लाइट है, जो बाकी LED बॉल्ब है जो सही है वो आपका ग्लो कर रहा है। वो फिर से एक बार दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसको जैसे ही ये LED बॉल्ब को हम शॉर्ट मार रहे हैं ये ग्लो कर रहा है, और जो सही LED बॉल्ब है उसमें अगर शॉर्ट मार रहे हैं तो ये ग्लो नहीं कर रहा है दोस्तों। और जो ख़राब LED बॉल्ब है, ये जो मेरा ख़राब है, इसको हम शॉर्ट मार रहे हैं तो ये देखिए, ये ग्लो करना शुरू हो गया है दोस्तों। तो इस टाइप से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और इसको देखिए, ये जो हम टेस्ट किए दोस्तों, इसको आप ठीक करने का एक उपाय और बता रहे हैं आपको। जैसे ये जो मेरा LED बॉल्ब है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस टाइप से करके ये देखिए, हम इसको निकाल दिए यहाँ से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, और ये जो निकाल दिए दोस्तों, इसमें हम सोल्डिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम पावर सप्लाई काट लेते हैं और इसको होल्डर में ही लगा हुआ रहने देते हैं, और इसको हम सोल्डिंग करते हैं दोस्तों। ये जो LED बॉल है, ये प्लस माइनस वायर जो है दोस्तों, हम उसमें सोल्डिंग मार देते हैं दोनों को इस टाइप से, दोनों को हम सोल्डिंग कर देंगे दोस्तों। ये देखिए इस टाइप से, देखिए दोस्तों, ये जो मेरा LED बॉल्ब था जो ख़राब हो गया था, उसमें देखिए हम सोल्डिंग कर दिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये सोल्डिंग किया हुआ है। अब दोस्तों, इसमें हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देके इसको हम टेस्ट कर ले रहे हैं। ये मेरा
जलता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एलईडी बल्ब जो हम रिपेयर किए वो बिल्कुल ग्लो कर रहा है, ये देखिए। इस टाइप से आप कर सकते हैं दोस्तों, तो इस टाइप से भी आप रिपेयर कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। अब दूसरा हम एलईडी बल्ब ले लेते हैं, उसको भी हम रिपेयर करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं दोस्तों, इस टाइप से हल्का हल्का मार के, ये देखिए। अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं कि ये मेरा जो सर्किट है, इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है वो सही है कि नहीं है, देख लेते हैं। इस टाइप से इसके सर्किट को हम टेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 125 वोल्ट दे रहा है, मतलब ये सर्किट मेरा सही है, ये सर्किट मेरा सही है दोस्तों। इसका MCPCB ही ख़राब है, क्योंकि ये सब जो मेरा MCPCB जो है सब ग्लो कर रहा है दोस्तों। कोई भी एक MCPCB अगर ग्लो नहीं करता तो उसको हम शॉर्ट मार के उसकी लाइट को हम बढ़ा सकते थे, लेकिन ये MCPCB ही ख़राब है दोस्तों। अधिकतर LED बल्ब में देखिएगा दोस्तों, आपका ये MCPCB ही ख़राब होता है, 90% चांस रहता है दोस्तों ये MCPCB ख़राब हो जाता है, और 10% ही चांस रहता है दोस्तों कि आपका वो जो सर्किट बना हुआ रहता है वो सर्किट आपका ख़राब होता है। अधिकतर देखिएगा ये MCPCB ख़राब होता है। तो चलिए MCPCB को हम चेंज कर लेते हैं। इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम इसके जो MCPCB है, इसके दोनों वायर को हम इस टाइप से देखिए निकाल लिए हैं। अब इसके MCPCB को हम यहाँ से हीट सिंक में जो लगा हुआ है दोस्तों, इसको हटा लेते हैं और एक न्यू MCPCB लेते हैं, जो मेरा मार्केट में 10 रुपये में मिल जाता है। अब न्यू MCPCB लगाएंगे इसमें। तो चलिए इसके जो MCPCB लगा हुआ है इसको हटा लेते हैं। इसमें हीट सिंक लगा हुआ है इसलिए ये चिपक गया है दोस्तों। हीट सिंक लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो LED बल्ब है ये गर्म हो जाता है, जिस कारण ये ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए ये हीट सिंक लगा हुआ रहता है। आप हीट सिंक भी लगा के इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम जो 9 वाट का जो LED बल्ब है, हम एक 9 वाट का MCPCB ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम रिपेयर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा 9 वाट का MCPCB है, इसी को हम LED बल्ब पे लगा लेते हैं। MCPCB में दोस्तों कभी भी लगाइएगा न्यू MCPCB, तो देखिएगा इसमें 2 टर्मिनल रहता है दोस्तों। ये देखिए, ये 2 टर्मिनल रहता है, एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल। तो इसमें भी जो LED बल्ब रहता है दोस्तों, इसमें 2 वायर रहता है, एक प्लस एक माइनस। तो प्लस वाले टर्मिनल को प्लस वायर पर और माइनस वाले टर्मिनल को माइनस वायर पर प्लस माइनस करके जोड़ दीजिएगा दोस्तों। इस टाइप से देखिए हम MCPCB लगा ले रहे हैं, इस टाइप से सोल्डिंग कर देना है दोस्तों। प्लस वाले टर्मिनल को प्लस वायर पे, माइनस वाले टर्मिनल को माइनस पे सोल्डिंग करना है। अब इसमें हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देके टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि मेरा MCPCB सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जो MCPCB अभी बना है, न्यू MCPCB लगा है, इस टाइप से ये भी ग्लो किया दोस्तों। अब हम दूसरा LED बल्ब ले लेते हैं दोस्तों, जो ख़राब है, इसको भी हम एक बार टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, सप्लाई देते हैं दोस्तों। अब इसके जो वोल्टेज सप्लाई है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ये कितना वोल्ट सप्लाई दे रहा है। सबसे पहले हम सर्किट को चेक करेंगे, ये सर्किट मेरा सप्लाई कितना दे रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका 198 दे रहा है दोस्तों। ये तो ये बहुत ज़्यादा वोल्ट दे रहा है दोस्तों, इसका IC ख़राब हो गया, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा सप्लाई दे रहा है। IC ख़राब है तो इतना आप खर्चा करने नहीं जाएंगे दोस्तों। आप हम कैसे इसका सर्किट लगाया जाता है या कैसे बनाया जाता है, इसके बारे भी हम वीडियो डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो आप दोस्तों ये देखिए, एक MCPCB आता है आपको, ये 10 रुपये में मिल जाएगा। ये डायरेक्टली 220 वोल्ट AC सप्लाई पर चलता है दोस्तों। इसमें जो 2 टर्मिनल है, ये देखिए, एक टर्मिनल ये है जो फेज है, और ये टर्मिनल है जो न्यूट्रल है दोस्तों। ये दोनों का हम डायरेक्टली 220 वोल्ट AC सप्लाई पे लगा के आपको एक बार दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके जो MCPCB है उसको खोलना पड़ेगा। चलिए हम इसके MCPCB को खोल लेते हैं। इसको इस टाइप से निकाला जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप जो ये बीच वाले होल है यहाँ पे लगा के आप इसको इस टाइप से कर दीजिएगा, निकल जाएगा। तो दोस्तों इसके सर्किट को निकालना है, तो हम इधर से ये जो दोनों पॉइंट है इसको हम सोल्डिंग आयरन से हम हीट करेंगे और इसको निकालेंगे। इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम जो पुराना सर्किट था उसको निकाल लिए हैं। अब दोस्तों हम 2 वायर लेंगे, इस टाइप से 2 वायर लेते हैं दोस्तों, और दोनों वायर को हम ये जो 2 पॉइंट डाला हुआ था होल्डर के लिए उसमें हम लगा लेते हैं। लगा के दोनों को हम सोल्डिंग करेंगे इस टाइप से।
स्टेप से देखिए दोस्तों, अब दोनों जो दो वायर हैं उसमें हम हीट सिंक को लगा लेते हैं, जो हीट सिंक लगा हुआ था इसको हीट सिंक लगा के हम दोनों वायर को ये स्टेप से सेट कर लेंगे। ये देखिए अब दोस्तों, जो हम डायरेक्टली एसी फेज पे जो चलाने वाले थे एमसीपीसीबी, इसको भी हम इस टाइप से लगा लेते हैं, एच पे फेज वायर को और न्यूट्रल पे न्यूट्रल वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए प्लस वाले पर वायर को हम फेज सप्लाई पे कनेक्ट कर रहे हैं और माइनस वाले वायर जो है दोस्तों, ब्लैक वायर जो है उसको न्यूट्रल पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे दोस्तों और इसको टेस्ट करेंगे। इसमें सर्किट नहीं है दोस्तों, एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें देखिए ये सर्किट लगा हुआ नहीं है बिल्कुल, ये खाली है। ये देखिए देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज पे चलेगा। चलिए हम इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई देके टेस्ट करते हैं। तो चलिए 220 वोल्ट हम एसी सप्लाई दे दिए हैं दोस्तों, अब इसको स्विच को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा लाइट है जो डायरेक्टली एमसीपीसीबी हम लगाए थे, ये देखिए बिल्कुल वही एमसीपीसीबी है, हम इसको चेंज नहीं किए दोस्तों। इसमें देखिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई देके हम लगाए, तो ये मेरा लाइट ग्लो कर रहा है दोस्तों। इस टाइप से आप आसानी से दोस्तों अपने घर में बिना ज़्यादा खर्चा किया, आप 10 से 15 रुपया एक एलईडी पे, 10 रुपया एक एलईडी पे खर्चा होगा दोस्तों, और आप आसानी से ये जो एलईडी बॉल है आप अपने घर में बना सकते हैं दोस्तों। इस टाइप से दोस्तों आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगी। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक एलईडी बॉल बचा हुआ है, इसको भी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम टेस्ट कर ले रहे हैं एक बार। इसको देखिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई देके हम इसके सर्किट को एक बार चेक कर ले रहे हैं, ये मेरा कितना वोल्ट सप्लाई दे रहा है। इस टाइप से देखिए दोस्तों, ये जो मेरा एलईडी बॉल है, ये आप सप्लाई 107 वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो सर्किट है वो सही है, वोल्टेज अच्छा सप्लाई दे रहा है, ये मेरा जो सर्किट है वो सही है। तो ये जो एमसीपीसीबी है दोस्तों, वही ख़राब है। तो चलिए हम इसको भी नया एमसीपीसीबी लगा ले रहे हैं, क्योंकि ये आपको 10 रुपया में बन जाएगा दोस्तों, तो इसको नया एमसीपीसीबी ही लगा लेते हैं हम। तो चलिए इस एमसीपीसीबी को हम निकाल लेते हैं और फिर से नया एमसीपीसीबी हम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ख़राब है, तो हम नया एमसीपीसीबी लगाते हैं। ये देखिए, इसी को हम लगा के आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अब इसके प्लस वाले वायर को प्लस टर्मिनल पर, माइनस वाले वायर को माइनस टर्मिनल पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आपका एक लाइक मिल जाएगा तो और भी ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए, हम इसको एमसीपीसीबी लगा लिया, अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये भी आसानी से जल गया, बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से दोस्तों आप अपने घर में मात्र 10 रुपया खर्चा करके आप एलईडी बॉल बना सकते हैं दोस्तों। आपको कोई भी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई दुकान जाना पड़ेगा। आप मात्र 8 से 10 रुपया खर्चा करके आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं, मार्केट पर भी जाके आप ऑफलाइन ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा दोस्तों, जिससे और भी ऐसी टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार और आपको हम एक एक करके सारा एलईडी बॉल जो आज हम बनाए उसको हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सब जो एलईडी आज बॉल बनाए थे वो मेरा सारा एलईडी बॉल ग्लो कर रहा है। ये देखिए, इस टाइप से दोस्तों आप आसानी से अपने घर में एलईडी बॉल बना लीजिएगा दोस्तों, 10 रुपया खर्चा करके। और आप दुकान भी अगर खोले हैं दोस्तों, तो इस टाइप से आप अपना जो एलईडी बॉल आपको बनाने के लिए आएगा, आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।